सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन के अंदर हमारे पास डिक्शनरीज के लिए कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं और हम उनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे उसका नाम रखता हूँ tut15.py और फिर इसको करते हैं सेव। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। डिक्शनरी कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नाम रख लेता हूँ वेरिएबल का, फॉर एग्जांपल EMPL, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय की डिक्शनरी बना रहा हूँ। तो मैंने EMPL लिख लिया नाम। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसके एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ले लिए और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ की, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय का नाम अमित, मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं कॉमा करके दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ इसकी। और उसके बाद फिर हम लोग दूसरी चीज़ कौन सी रख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, वो रख सकते हैं हम लोग इसकी सैलरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सैलरी ले लेते हैं इसकी। सैलरी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख देता हूँ 10,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी सैलरी रख दी है 10,000। और अब हम लोग इसमें एक और चीज़ एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या एंटर कर देता हूँ, मैं इसकी एज एंटर कर देता हूँ। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय की रख देते हैं। एज भी मुझे स्ट्रिंग में ही लेनी पड़ेगी, एज मैंने यहाँ ले लिया। और इसकी एज फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ 25 मैंने इसकी एज ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे फंक्शंस, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि डिक्शनरी के कौन कौन से फंक्शंस हो। जो सबसे पहले फंक्शन है हमारे पास वो है लेन फंक्शन। अब लेन फंक्शन का यूज़ तो यार आप लोगों को पता ही होगा, मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते होंगे रेगुलरली तो, कि मैं लेन फंक्शन के बारे में आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर। लेन फंक्शन का सिंपल से काम होता है लेंथ निकालना। ठीक है, और ये लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग सब में ही काम में आती है। और इस फंक्शन का आप लोगों ने काफ़ी बार यूज़ किया होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमें लेंथ जो मिल रही है इसकी, वो मिल रही है 3। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो इतनी बड़ी डिक्शनरी है, उसके बाद भी सिर्फ लेंथ हमें 3 ही मिल रही है, ऐसा क्यों? वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इसके अंदर जो की है ये उन्हीं को काउंट करेगा कि कितनी कीज़ हैं इस डिक्शनरी के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास हैं 3 कीज़, जो कि है पहली नेम, दूसरी है सैलरी और तीसरी है एज। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास इसके अंदर, तो इसलिए इसने हमें रिटर्न किया है 3। तो ये था हमारा पहला फंक्शन जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर भी। और हम चलते हैं हमारे अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा गेट मेथड। ठीक है, अब गेट मेथड क्या है और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल ले लेता हूँ val, और इसके अंदर फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे डिक्शनरी का नाम, जो कि है empl.get। अब ठीक है, मैंने इसमें डॉट गेट तो लिख दिया, बट ये डॉट गेट का क्या काम है मैं आप लोग को बताता हूँ। अब इस गेट मेथड का काम है कि ये हमसे एक की को एंटर करवाएगा और उसके बाद फिर ये हमें एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे पता करनी है इसकी एज, तो मैं लिख दूंगा इसकी एज और फिर मैं यहाँ पे नीचे जाके प्रिंट कर दूंगा वैल को। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया और अब करते हैं इसको रन। तो आप देख सकते हो इसने हमें रिटर्न कर दिया है 25। ये सेम तरीका जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके एक वैल्यू को निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करके भी एक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आइकन पे आप लोगों को मिल जाएगी, जाके देख लीजिए। तो चलते हैं हमारे अगले मेथड की तरफ, जो कि है आइटम्स मेथड। अब ये आइटम्स मेथड का क्या काम है मैं आप लोग को बताता हूँ। आइटम्स मेथड का काम होता है कि ये जितनी भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको एक लिस्ट के अंदर पुटअप करके दे देगा। कैसे दे देगा, अगर मैं यहाँ पर इसे लिख दूँ आइटम्स और यहाँ पे लगा दूँ मैं पैरेंथेसिस और फिर अगर मैं अब कर दूँ इसको यहाँ पर रन, तो आप देख सकते हो उसने यहाँ में एरर दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि आइटम नहीं है ये, आइटम्स है। ठीक है, एस लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। और इसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको रन, तो आप लोग देख सकते हो इसने हमें यहाँ पर पूरी डिक्शनरी रिटर्न करके दे दी है एक लिस्ट के अंदर। आप देख सकते हो ये यहाँ पर एक लिस्ट है और इसके अंदर टपल्स के फॉर्मेट में की कॉमा वैल्यू है। ठीक है, की मतलब कि हमारा नाम है आप देख सकते हो, और उसका नेम क्या था, अमित था। तो वो चीज़ यहाँ पे इसने दे दी। अब अगर आप चाहते हो इसको प्रॉपरली फाइंड आउट करना कि यार ये इतना बड़ा हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे एक फॉर लूप से एक्सेस कर सकते हो। तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हो। अब ये क्योंकि इसमें आप देख सकते हो दो दो चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ आई ले रहे थे। अब मैं ले रहा हूँ आई कॉमा जे, आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं कर दूंगा इन और वी ए एल, इन वैल लिखूंगा मैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कर दूंगा प्रिंट आई कॉमा जे। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर इस तरह से लिख दिया और कर रहा हूँ मैं इसको रन। तो आप देख सकते हो इसने हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे दिया नेम अमित, सैलरी 10,000, एज 25। ये चीज़ इसने हमें रिटर्न कर दी।
और अगर हम चाहें कि हमें जिससे हमने पिछली वीडियो में प्रिंट किया था इसे फॉर लूप से, अगर उसी तरह से प्रिंट करना है तो मैं यहाँ कोलन लगा देता हूँ और माइनस कर दिया प्रिंट। तो आप देखिए, तो इसने हमें यहाँ पे इस तरीके से पूरा की एंड वैल्यू पेयर में रिटर्न कर दिया है। तो ये काम होता है हमारे आइटम्स फंक्शन का, जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिक्शनरीज के अंदर, वो है कीज़। कीज़ का क्या काम है आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि हमें सारी कीज़ को रिटर्न करके दे देगा। कैसे रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट और यहाँ पर वैल वापस से लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ पर रन। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे रिटर्न किया, सेम पिछली बार की तरह इसने हमें यहाँ पर रिटर्न करके दे दी सारी कीज़। अब अगर मुझे यहाँ पर इसमें भी एक एक इंडिविजुअली चाहिए तो मैं फॉर लूप से एक्सेस करके इसे यहाँ पर एक एक इंडिविजुअली प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काम था हमारे कीज़ फंक्शन का। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, जो कि है वैल्यूज़ मेथड। अब वैल्यूज़ मेथड का क्या काम है, वैल्यूज़ मेथड का भी सेम काम है कीज़ की तरह, ये हमें सारी वैल्यूज़ को रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हो इसने सारी वैल्यूज़ हमें दे दी, अमित 10,000 25, ये सारी चीज़ें इसने हमें रिटर्न करके दी है यहाँ। तो ये काम था हमारे वैल्यूज़ मेथड का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले मेथड की, जो कि है हमारा अपडेट मेथड, ठीक है। सबसे पहले अपडेट मेथड का यूज़ करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपडेट। अपडेट मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसके बाद फिर हमें इसके अंदर देनी पड़ेगी अपडेटेड वैल्यू या फिर कोई एक अदर डिक्शनरी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी एक और डिक्शनरी। उसके लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ EMPL2 और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसकी एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो चलेगा, बट हमें कोई ऐसी वैल्यू को नहीं रखना है जो हम नहीं चाहते। तो मैं सबसे पहले एज को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे एज यही रखनी है इसकी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अपडेट क्या करना चाहते हैं, हमें यहाँ अपडेट करनी है सैलरी। फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी थी अभी 10,000 और मैं करता हूँ इसकी सैलरी 15,000, ठीक है। नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए नाम हम यही रहने देते हैं, हम इसे चेंज कर देते हैं सिर्फ। और अपडेट के अंदर हम लोग यहाँ पे आके लिख देंगे EMPL2, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी और अब कर रहा हूँ मैं इसको रन। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने इसे रन किया तो इसने हमें यहाँ पर रिटर्न करके दिया है नन। नन क्यों रिटर्न करके दिया, क्योंकि हम एक वेरिएबल के अंदर नहीं रख सकते, हमें इसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे अपडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं EMPL1 या फिर EMPL ही हमने यहाँ पर नाम रखा, EMPL1 नहीं है, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पर इसे अपडेट कर दिया। नेम क्या था हमारा, अमित ही था, ठीक है। सैलरी थी हमारी 15,000 हो गई है, जो कि पहले थी 10,000 और एज हमारी है 25, जो कि वही थी, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट कर दी है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें नाम भी अपडेट कर सकते हो, एज भी अपडेट कर सकते हो, जो चाहे आप इसमें अपडेट कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहो तो इसी मेथड का यूज़ करके कोई एक नई चीज़ ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा अपडेट फंक्शन का। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी मेथड की तरफ, जो कि है क्लियर मेथड। अब क्लियर मेथड का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लियर मेथड का सिंपल सा काम है कि पूरी एक डिक्शनरी को क्लियर कर देता है। अगर मैं इसके आगे लिख दूँ क्लियर और फिर अगर मैं यहाँ पर रन करूँ इसे, तो आप देख सकते हो इसने यहाँ पर एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न कर दिया है। क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि इसने इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर इरेज कर दिया है या फिर क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे क्लियर फंक्शन का। और आखिरी में अगर आप लोग चाहते हो किसी एक डिक्शनरी को डिलीट करना, तो उसके लिए भी सिंपल सा काम है, जो कि हम लोगों ने पिछले बार लिस्ट और टपल में भी किया था, DEL मेथड का आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये मेथड तो नहीं है, बट आप इसके कीवर्ड कह सकते हैं, एक कीवर्ड का आप लोग यूज़ कर सकते हो और उसके बाद फिर ये लिख के आप लोग इसे रन करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं इसने हमें एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि ये डिलीट हो चुकी है, अब इस नाम की कोई भी डिक्शनरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दोस्तों यही कुछ 7 मेथड्स थे हमारे पास डिक्शनरी के, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।